हाँ जी किसान वीरों, सारे सत श्रीकाल जी। स्वागत है तुहाडा एग्रीकल्चर इनफॉर्मेशन पंजाबी चैनल च। मैं डॉक्टर गुरविंदर सिंह बराड़। इस वीडियो किसान वीरों तुहाडे नाल दो नुकत्यां ते गल करनी है। दो ही नुकते बड़े जरूरी ने। झोने की बिजाई वेले जां पनीरी की बिजाई वेले, झोने की सीधी बिजाई वेले, जे आपां इह नुकत्यां दा ख्याल नहीं रखते तां आपां नूं जिहड़ा हैगा उहदे विच फसल का झाड़ घट सकदा। ये जिहड़े बेसिक नुकते हैगे आ। पहला नुकता हैगा जिहड़ा हैगा बिजाई नाल संबंधित टाइम नाल, ते दूसरा हैगा कि एक इंपोर्टेंट तत् जिहड़ा कि आम जिहड़े हैगे ज़्यादातर किसान वीरों नूं इगनोर करदे, उहदे वल ध्यान नहीं दिंदे। सो जिहड़े नवे किसान वीर जुड़े उन्हां नूं बेनती है कि चैनल सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल वाला बटन दब लो तां कि हर एक नवी वीडियो नवी जानकारी तुहाडे ताईं पहुँचती रहे। सो पहली गल जे आपां किसान वीरों करिए कि हुण जिहड़ा समां जिहड़ा झोने की पनीरी की बिजाई का 10 मई तो, झोने की लवाई का 10 जून तो कर दिता गया, तो कुछ किसान भीर है जिहड़े सीधी बिजाई भी कर रहे हैं, कुछ किसान भीर है जिहड़े वो छट्टे नाल बिजाई कर रहे हैं, कुछ किसान भीर है जिहड़े वो वख-वख ढंगां दे नाल जिहड़ी झोने की सीधी बिजाई कर रहे हैं, तो जिहड़ी पनीरी की बिजाई भी किसान भीर ने शुरू कर दिती है। पिछली वीडियो में भी मैं किसान भीरों जिक्र किया सीगा कि बेशक जिहड़ी झोने की डे तरीक है जिहड़ी वो अगे शिफ्ट हुई है, पर मौसम नूं ध्यान च रखते हुए पिछले सालों भी तुसीं देखिया कि मौसम नूं ध्यान च रखते हुए झोने के पक्कण के समय नूं ध्यान च रखते हुए खासकर PR किस्मां ने जिहड़ियां उहदे विच आपां नूं पनीरी की बिजाई उदों बाद झोने की लवाई बहुत ही जल्दी नहीं करनी चाहीदी। जे आपां कीती करांगे तां पक्कण दे विच झोना जिहड़ा है थोड़ा जल्दी पक्कू, हाई टैंपरेचर च पक्कू, बरसातों का भी उदों एंड हुंदा उदों पक्कू, जदों नसारा शुरू हुंदा हुंदा उदों जिहड़ियां हैगियां बरसातां काफ़ी चल रही हुंदियां। सो उहदे विच अपना झोना आऊगा तां उहदे नाल जिहड़ी हैगी आ फोक की समस्या आ सकदी आ, झोने का झाड़ घट सकदा। दूजे नंबर ते कई किसान वीरां ने जिहड़ा हैगा झोने की जिहड़ी सीधी बिजाई करनी आ उहदे विच, पहला मैं जिहड़ी झोने की सीधी बिजाई बारे वीडियो पाई सी उहदे विच मैं जिक्र किया सीगा कि जिहड़ी आपां सीधी बिजाई करनी है 1 तो 15 जून PAU लुधियाणा वालों सिफारश टाइम है, उहदे विच किसान वीर जिहड़ा है मई दे विच ही जिहड़ी सीधी बिजाई जिहड़ी हैगी शुरुआत करन जा रहे हैं, जिहड़ी कि आपां जिहड़ी बड़ी वड्डी गलती कर रहे हैं क्योंकि सीधी बिजाई दे विच जदों आपां झोने की बिजाई करते हैं उही किस्म जिहड़ी पनीरी ते कद्दू करके आपां झोना लाउणे आ उहदे नालों भी जिहड़ी हैगी 10-15 दिन पहलां पक जाती है, तो उहदे विच जिहड़ा हैगा आपां नूं जिहड़ी होर समस्या आ सकती है। इस करके जिहड़ी हैगी है सीधी बिजाई भी जे आपां करनी है किसान वीरो 1 जून तो बाद करो, तो जे आपां पनीरी बीजनी है उदू बाद झोना जिहड़ा कद्दू करके लाउणा वह तुसीं पछेता जरूर कर सकते, 5-10 दिन अगेता ना करो। 15-20 मई तो पहला जिहड़ी पनीरी ना बीजो, तो 15-20 जून तो पहला ट्रांसप्लांटिंग ना शुरू करो। बेशक तुहाडी जिहड़ी हैगी है झोना जिहड़ा तुसीं पनीरी पट के लाउणी है 10 जुलाई तक चली जाए, PR किस्मां दे विच वधिया झाड़ मिलदा जे तुसीं 5-10 ते ईवन PR जिहड़ी 126 नूं तुसीं 15 जुलाई तक भी ट्रांसप्लांट कर सकते। सो यह सीगा एक है किसान वीरों जिहड़ा सीधी बिजाई दे विच तुसीं बिना रौणी तो जे जिहड़ी सीधी बिजाई करती उहदे विच नदीना की बहुत ज़्यादा समस्या शुरुआत दे विच ही आ जाणी है, तो उहदे विच आपां नूं बहुत मुश्किल आ जाणी है। पिछलियां वीडियो च मैं जिक्र किया सीगा कि डबल रौणी जरूर करो, जिहड़ी रौणी करके उदू बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे नदीन खेतों के जिहड़े पिछले साल का कोई बीज पिया जां नदीन उगणगे उहनूं आपां वाह के उदू बाद फिर रौणी करके जिहड़ी हैगी फिर आपां बिजाई करनी है। सो इह आपां नूं जिहड़ा हैगा नुकता ख्याल च रखना चाहीदा। इस तो अगे जी मैं होर तुहाडे नाल एक जिक्र करना है किसान वीरो, जिहड़ा नाइट्रोजन ते फॉसफोरस तो बाद जरूरी तत् है चाहे वह झोने की फसल च जां होर फसलों के हुंदा है, वह है पोटाशियम, जिहनूं किसान वीर पोटाश के नाते जाणदे है, म्यूरेट ऑफ पोटाश के नाते आपां नूं बाजार च मिलदा 60%। पोटाश का बड़ा महत्व है, बड़ा इंपोर्टेंट रोल है कणक झोने फसली चक्कर दे विच, ते कणक झोने फसली दे चक्कर दे विच फसलां इहनू पोटाश तत् बड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा दे विच इहनू अबजॉर्ब करदियां ने, फसलां दे विच जिहड़ा बहुत ज़्यादा मात्रा दे विच अबजॉर्ब किया जाता, इस करके जिहड़ी जिथे आपां पोटाशियम तत् खा जमीन दे विच नहीं पाउंदे उत्थे जिहड़ी हैगी है जमीन च घाट आ जाती है। इहदा जिहड़ा रोल तुहानूं मैं दस दिंदा कि इह जिहड़ी फसल है पोटाशियम तत् नूं किसान वीरों शुरुआत दे विच जदों ग्रोथ करती है उदों नाइट्रोजन नालों भी ईवन ज़्यादा मात्रा दे विच सोखदी है, क्योंकि ये जिहड़ा हैगा पानी की मूवमेंट दे विच बूटियां दे विच जिहड़े तत् अबजॉर्ब करने जमीन दे विचों, पानी अबजॉर्ब करना
ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਰਚ, ATP ਜਿਹੜੇ ਐਨਰਜੀ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਜਾਈਮ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫੋਟੋਸਿੰਥੈਸਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੋਮੈਟਾ ਓਪਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਬਰੀਕ ਪੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਮੈਟਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੂਟਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਡਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਅਤੇ ਬਾਇਓਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈੱਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਆਪਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਭ ਦੀ ਸੁੰਡੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਫਸਲ ਡਿੱਗਦੀ ਘੱਟ ਆ, ਤਣਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਨਸਾਰੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਨ, ਜੇ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਟਰਾਈਲ ਪੋਲਨਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੱਤ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ। PAA ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋ ਮਿਊਰੇਟ ਆਫ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, 60 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ 20 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਓ। ਮਿੱਟੀ ਪਰਖ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਫਸਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 15 ਕਿਲੋ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ 3 ਏਕੜ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਓ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫੋਕ ਘੱਟਦੀ ਹੈ, ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਝਾੜ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਿਲਦਾ, ਫਸਲ ਡਿੱਗਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਤੱਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੱਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਦੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੱਦੂ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਟਾਈਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਤਾਂ ਐਕਟਿਵ ਟਿਲਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਫੁਟਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ ਕੱਦੂ ਕਰਨ ਟਾਈਮ 6-7 ਕਿਲੋ ਅਤੇ 6-7 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਕਟਿਵ ਟਿਲਰਿੰਗ ਸਟੇਜ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਫੁਟਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਝਾੜ ਲੈ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਫੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀ।